भज सत्य नारायण अभिराम जप हरे कृष्ण हरे राम। जय सत्यनारायण स्वामींकर जय हो। कली भागवतरे सुंदर अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्छू। आम मैंने आलोचना करुले अति तत्व गुरुत्वपूर्ण कथा जहाँ कली भागवत वर्णना कर ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंसर स्वरचित ग्रंथ हूँ कली भागवत जहाँ कली कलुष निस्तार को मनीष को निस्तार देवा सहित मनीष को अनेक गुढ़ तत्वर प्रमाण कली भागवत प्रदान कर साधारण मनुष्यटे कली भागवत विभिन्न तथ्य को श्रवण कर भवसंसार सगर मुक्ति पाई। आम आलोचना करुले पूर्ववर्त अध्याय आग मंजी ना आज वृक्ष ता पूर्व आम्भे मैंने आलोचना कले आग पिंड ना आग ब्रह्मांड एवं आलोचना करवा जो मन जो तत्व को प्रदान कर जो प्रश्न को पचार चैतन्य जो तत्व को प्रदान करी भागवत से तत्व को आम आलोचना कर कहले कली युग भितर जे मोर आज प्रश्न पचार मोर प्रभु ये संसार भितर तत्व को जानवर आवश्यकता अच्छी कहीं ये संसारटा सृष्टि केमी कौन पचार मन प्रश्न बोले तुम्भर बिनु मो संशय किए फेड़ नाथ कुह मन हो जीवन अटवे केशवरी जेसन मुसीना होइछि खपा तुसीना अर्जम स्वरूपा मुनाथ चातक जीवन मनरे तुम्हें नवघन मु चातक हेले तुम्हें हूँ वर्षार जल मुझे काष्टवत तु नाथ मलय बहुत जे काष्टे मलय लगई प्रभु श्री अंगे लिपा हो। चैतन्य होचंदे गुरु मन होचंदे शिष्य जिते गुरु कृपा शिष्य उपर हो जाए शिष्य सबकि जानी जाए आज मन कहते हे शिष्य गुरुदेव मत आज से ज्ञान प्रदान करूँ जहाँ को पाईगला मत कि आवश्यकता पड़े ना आ गुरु रूपी चैतन्य आज मन को सुंदर भाव उपदेश दौंस आ मन को जो भक्तिर कथा को आलोचना आम करुले गुरु प्रति भक्ति नहले से उपयुक्त ज्ञान गुरु प्रदान करते ना गुरु भक्ति हूँ मुख्य। चैतन्य चरितामृत लिखाई जे गुरु प्रति किभली भाव भक्ति करार आवश्यकता अच्छे भक्ति करे माने भक्ति कले ज्ञान हुए जीवन पड़े माया मुहे भागवत लिखाई पुणी तार सहित भागवत कही सारापर अच्युतानंद महापुरुष गोटे ग्रंथ लिखिं गुरु भक्ति गीता ताक प्रमाण अच्छे गुरु प्रति कि भाव में शिष्य समर्पित होवार आवश्यकता अच्छे शिष्य आ गुरु भी शिष्य प्रति से स्नेह कर आवश्यकता अच्छे से भाई भाव में तत्व शिष्य को प्रदान कर आवश्यकता अच्छे गुरु शिष्य होंगे पुत्रव तेणु पुत्र भनेह कर आवश्यकता अच्छे मन पड़ जाए छोटिया कथाटे कली भागवत श्रवण करू करू बा ये पाठ करू करू कली भागवत को आपण को शुणु शुणु मन पड़ जाए एक सुंदर कथा। गुरु शिष्य दुईज आश्रम थी समय गुरुदेव गोटे बाटे जाऊ बाट जा गुरुदेव को प्रबल जोर शोष है शिष्य को गुरुदेव कहले कहले अरे शिष्य यही दीर्घ प्रांत रास्ता आमको जवाक पड़ो हेले मत प्रबल जोर शोष है मो तृष्णा नवारण तुम किसी जल जोगाण करने जोगे पड़ो कौन करवा यही समय भितर शिष्य कहले कह गुरुदेव आपड़ व्यस्त हूँ मुझण जो भी आपण टे जलर व्यवस्था करुचे देखला चारिड़े गाँ गा ना रास्ता जे दीर्घ बाट चलापर कौटे कौन मिल कि ना सन्देह गुरु कितु तृष्णार आतुर है प्रबल जोर शोष गरम से भाव में होद्रताप बढ़ाक लगुच यही समय शिष्य प्रभु को प्रार्थना कले प्रभु मो गुरुदेव जदि शोषिला था मो जीवन रखिक लाभ कौन जदि मो भि शिष्य थाउ था मो गुरु तृष्णातुर हो देह छाड़े मो शिष्य जीवन को धिक प्रभु मत दया करूँ दया करूँ दया करूँ ये भाव में शिष्य प्रार्थना कर गुरु सहित चलबार व्यस्त चलत आग किसी व्यवस्था हो समय गोटे सुंदर कूटे अच्छे तादेह पा कि अच्छे शिष्य यही समय भितर से सुंदर कूर पा बाहर कला आउ गुरु को देला गुरु पी सारे भारी आनंद हेले शिष्य को आशीर्वाद प्रदान करिवारे सहित हेले धन्य शिष्य जाहो तुम्हें कौशल क्रमे किछि नथिबा सुविधा पानी काढ़ी कि भाव में दब तुम्हें से कष्ट कूँ भितर पशि कि भाव में दौड़ी टे जो ना कूर पा काढ़ तुम्हें पत्र ठोला कर मोपाई पा आनी शिष्य बड़ आनंद कहले गुरुदेव ये सब आपण कृपा आज शिष्य पा पीले आ गुरु को लगे
आउ पानी पी सारिबा परे शिष्य गुरुदेव को कहले गुरुदेव आपण जे पानी पीले ताकू पी सारिबा परे आपण तृष्णा कुआडे मेंटी जाइथिबो आउ पानी मध्ये स्वाद लागुन थिला कि एही समय भितरे गुरुदेव कहले हाँ तू आनिथिबा पानी निश्चिंत श्रद्धारे आनिथिबा पानी निश्चिंत स्वाद किछि बाट गले शिष्य आउ जने शिष्य गुरुदेव कुआडे गले बोली खोजि खोजि आसी पहुँचिगले गुरु शिष्य जाउछन्ती से दीर्घ पथक अतिक्रम करुछन्ती एथर जो शिष्य खोजि खोजि गुरु को आ शिष्य को खोजिक आसीथिला तांको मध्ये सोस लागिला ए समय रे ता मन भितरे से चिंता कले कले ठीक अछि गुरुदेव कहले कले जा से जो कुओर पानी किंतु तते निजे कष्ट करि पीबा को पड़िबो काहेकि ना एठे कोनोसी पानी तो सुविधा नाही मो संगे आज आसीथिबा तोर गुरु भाई बा शिष्यटी मते से पानी बहु कष्ट करि प्रदान करछि अति सुंदर पानी जा पीदो ए समय रे पानी पीबा को लागिला बहु कष्ट करि से पत्र ठोलारे कुओर पानी बाहर करे पीबा को लागिला आउ जने शिष्य दुईटी शिष्य गुरु चलिबा बाटरे शिष्य गुरु को कहवाक लगेगा जे प्रथम गुरु को पानी दे से गुरुदेव तृष्णा हरण कर कहला गुरुदेव ये पा मुझे कू भर एत कष्ट आपण को देली से पा अतिशय स्वाद ना कि ये समय भितर गुरुदेव कह बहुत स्वाद कहीं तुम्हें एत कष्ट आल आउ अमृत भली मत लगुला एथर आउ गोटे शिष्य हसवाक लगेगा कहला गुरुदेव अमृत भली लगुला आपण थट्टा करी कहउचंती ना शिष्यर मन को आनंद दबा पें कहउचंती से पानी तो अनेक दिन हलाणी पछि जाइथिला केवल शोष हला बेळकु मु पीली आउ शोष हला बेळकु मु अतिशय केवल प्राण विकल रे पीली मु भाबिली गुरुदेव को आनी ये पछा पानी ये शिष्यटी दैछि ना ये गुरु भाई मोर दैछि निश्चिंत से मध्य अभिशाप प्राप्त होबा दरकार गुरु को कृपा बदल रे गुरु को स्नेह बदल रे मध्य गुरु को रोषर शिकार हो किंतु आपण कहउचंती ये पानीटा मधुर लागिला अमृत भली लागिला काहे के कथा कहउचंती ए समय गुरु कहले तुम्हें बुझिपारिबनि शिष्य से पछा पाणी को जो भली कष्ट करी मोर प्राण को बंचेबा पाई जो कष्ट करके मते देइचंती से कहले न सरे प्रकृत रे मते शोष बिल्कुल भी लागु नथिला मते शोष बिल्कुल भी लागु नथिला मु केवल शिष्य को परीक्षा करबा पाई एतेक व्यवस्था करथिली मते तृष्णा लागुछि तुम्हें कोठी कोन आउ दुसाहसिक कर्म जो कुओ जो जगार थिला अनेक सर्प से स्थान रे थिले परमा होता किंतु शिष्य गुरु को बचेवाई मो गुरु को शोष लगुच निश्चिंत आणिक देवी ये जो मनोवृत्ति ठोला कर कू भर पशी पानी टी आनीदेवा से पछा पा मध्य तार परिश्रम आ श्रद्धा जो मत अमृत पर लगला शिष्यर आखिर लुह गड़ी पड़ा प्रकृत में जोटी श्रद्धा थाए जो परिश्रम थाए जो कष्ट थाए जो दबार मनोवृत्ति थाए ता छोटिया जिनस बड़ भाई कम दिए जहाँ ये गुरुतत्व शुणा को मिलला आ भक्तबंधु ये कहते मन कह प्रभु तथा श्री अंगरे मुहि लेपन इच्छा न कर अभय चरण रही अष्टादश चिन्ह गुरु शिष्यर यही भाव हसी कहती वासुदेव श्रीध्वज पद्मजी वज्र तीन अंकुश जब पंच घेनी स्फटिक ऊर्धरेखा कही अष्टकोणर चक्र झी ए नव दक्षिण चरण बहिच तुम्भे नारायण नारायणकर पदचिह्नर वर्णना करा जाइछे मन आज कहउचंती जेउ पादरे ध्वज पद्म वज्र अंकुश जब रहिछे जेउ पादरे से पादम प्रभुंकर आ मत्स्यकुंभ अम्बर तीन चतुर्थे अधिसम घेनी भक्तबंधु ठाकुर अभिरामंक चरण रे अनेक भक्त मध्ये से ध्वज अंकुश आउ पद्मर चिह्न को मध्ये देखिछंती ठाकुर मोर लुगा को घोरै दिहंती पाद देरे काहेकि ना भक्त ब्रह्म बोली विचार करी ये जो बात्सल्य स्नेहर दूरेई न जाऊ तेणु ये प्रभु लीला कर इंद्रचाप जे शंख जाण गोष्पद आवर त्रिकोण ए नव बाम पादे थाई शुणीण मुही हेली भाई से जे अभय चरण रही अष्टादश चिह्न से चरणे मुही थी गोला चंदन प्राय थी से चरण को भाजन जेपरी हे भी हे चैतन्य मुझे चंदन होइबि निश्चय पाद पद्मे थी एवे होष्ट मुहि चैतन्य मलय को कही चैतन्य चंद्र कृपार निश्चय रही चरण रे मोरे सुदया जदि तोर कह तु कायार विचार माय न कर मोठारे दया कर किंचित रे विषय रस मोते निय तोर विषय रस दि प्रभु मत आ विषय रस पकावना
मते तोर से पीयूष रस अमृत रस को प्रदान कर आउ 84 अंगुल पर्यंत सकल कह विधि मत ये शरीर हूँ 84 अंगुली वृंदावन होती 84 क्रोश ये 84 भितर खेल मत से तत्व को प्रदान करूँ भक्तबंधु परवर्त अध्याय आम मैंने आलोचना करवा 84 आंगुर खेल कौन आउ 84 आंगुली पर्यंत कहीं शरीर निर्माण करा जाए समय हो जाए परवर्त अध्याय कथा को आलोचना करवा आज मन संपूर्ण रूपे गुरु चरण समर्पित होती आ चैतन्य ज्ञान वर्षा करुंटी मन श्रवण करे माने से ही मन जे अशांत मन शांत हो जाए कली भागवत प्रसन्न जय जगन्नाथ जय सत्यनारायण स्वामी जय हो। जदि आपण जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र निजुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।